नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र शेफ। ये है पनीर और आज हम बनाएंगे पनीर लहसुनी टिक्का। लहसुन बड़ी आसानी से घर पे मिल जाता है और पनीर मार्केट से ला सकते हैं। उसके बाद 2 से 3 शिमला, 2 से 3 टमाटर और 2 से 3 प्याज और 2 चम्मच हल्दी पड़ना है, लेकिन पहले 1 चम्मच डालना है। नमक स्वाद अनुसार जैसा आपको पसंद हो, काला नमक 1/2 चम्मच और उसके बाद 1/2 चम्मच चाट मसाला, फिर इसमें पड़ेगा 1 चम्मच गरम मसाला और फिर इसमें पड़ेगा 1 चम्मच मीट मसाला और 1 चम्मच पड़ेगा जीरा पाउडर। अभी इसमें पड़ेगा लहसुन 2 से 3 चम्मच, क्योंकि लहसुनी पनीर टिक्का है या पनीर टिक्का लहसुनी है, जो आपको बेहतर लगे आप बोल लीजिए। ये है जो सरसों होता है उसको क्रश करके हमने डाला है और जो हल्दी 1 चम्मच बाकी थी वो मैंने अब डाल दिया है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे तेल, मतलब कि बटर और तेल दोनों मिक्स करके हल्का गर्म करके हम इसमें डालेंगे, जिससे टेस्ट बहुत प्यारा आएगा और आप बना के देखेंगे या खा के देखेंगे ना, माय गॉड बहुत प्यारी रेसिपी है तैयार हो रही है। और रेसिपी तो रेसिपी होती है, उसे आप घर पे बनाइए या फिर होटल में, पर ये दोनों जगह बनने वाली रेसिपी है क्योंकि ये बहुत आसानी से तैयार हो रही है और जो भी चीज़ें इसमें पड़ रही हैं वो बड़ी आसानी से आपके घर पे मिल सकती हैं। इसके बाद आप डालिए थोड़ा सा धनिया, फिर डालिए दही। दही हैंग किया होना चाहिए, जिसका पानी हैंग कर मतलब पानी निकल जाना चाहिए। उसके बाद अब इसमें पनीर पड़ा है तो हम इसे चम्मच से नहीं मिला सकते, इसलिए हमें इसमें हाथ का यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, ग्लव्स मेरे पास नहीं थे तो मैंने हाथ से ही मिला दिया है। आप जितना बेहतर कर सके वो करिए, क्योंकि देखिए आप घर पे बना रहे हैं या रेस्टोरेंट में बना रहे हैं, पर सफाई और क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद हमने एक पतली सी सीक लिया है, अगर आप घर पे बना रहे हैं तो आप एक पतली सी लकड़ी की सींग भी ले सकते हैं। देखिए मैं हिंदी में ही प्रॉपर बोल रहा हूँ, सॉरी थोड़ा बहुत इंग्लिश बीच में मिक्स हो जाती है, वो चलता है इतना तो। लेकिन आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, तब तक मैं सीख में लगा रहा हूँ। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर प्लस कमेंट और सब्सक्राइब भी करें प्लीज़। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये आपके छोटे भाई की रिक्वेस्ट है, जो आप मेरे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। उसके बाद अब हम करेंगे गार्निश। गार्निश किसी भी खाने की सबसे प्यारी होती है, क्योंकि जो दिखता है उससे भूख पहले लगती है। और अब हमने पहले टमाटो सॉस के हल्की हल्की बूंदी रखी और उसके बाद हमने मिंट सॉस की हल्का हल्का, उसके बाद हम इसको, ये हमारे पास चम्मच नहीं था तो मैंने पिलर से ही क्रॉस मार। देखिए बनाने के लिए कोई चीज़ भी हो चलेगा, ठीक है, बस बेहतर होना चाहिए। हमें एक और गार्निश करनी है, लेकिन चलिए इसको भी कर देते हैं। अच्छा, गार्निश करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि बाकी सारी रेसिपीज बाकी सारे प्लेटर आसानी से हो जाते हैं, लेकिन जो तंदूर डिपार्टमेंट के प्लेटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली है कि हम कैसे कैसे करें। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जो मुझसे कहते हैं सब लोग कि कैसे करें, तो तरीका बिल्कुल सिंपल सा है। उससे पहले हम इस पे डालेंगे नींबू, तो नींबू हमने पहले ही कट करके रख लिया है और हमारा इधर लहसुनी टिक्का तैयार। अच्छा, पनीर टिक्का भी है मेरा ऑर्डर में, लेकिन हमें लहसुनी टिक्का का वीडियो बना के आपको देना है। ओके, लहसुनी टिक्का तैयार है और हमें इस तरीके से निकालना है, हाथ को बिल्कुल बचा करके, क्योंकि बहुत गर्म होता है। अच्छा, हम लोगों की प्रैक्टिस हो चुकी है तो हम लोग करते हैं, लेकिन आप बहुत संभाल के करिएगा। हल्का हल्का ऊपर से धनिया, उसका थोड़ा सा नींबू और फिर हम थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। लेकिन आप सब ने इतना मुझे प्यार दिया उसके लिए थैंक यू। वीडियो आपको पूरा देखना होता है, मैं ये सारी चीज़ें ज़्यादा मैं सब्सक्राइब करना या शेयर या कमेंट्स या वीडियो पूरा देखो ये सब नहीं कहता, क्योंकि आपको रेसिपी चाहिए, रेसिपी हम दे रहे हैं। थैंक यू सो मच।